हाँ ठीक है, खैरियत से ठीक ठाक। पहले ऊपर चलो ना, वोटो तो आते हैं। तो लेकिन ज्यादा जिस पर करते हैं फिर यहाँ पे अच्छा यही पढ़ाते हैं यहाँ पे ना। ये हमारे वाकिफ से है क्या? जी जी, वाकिफ के मुलाजिम है। वो कहाँ गए? सीओ साहब जी जी, थोड़ा सा और इंशाल्लाह तो हमारी शुक्रिया से आए हैं, क्योंकि ये जम्मू की मरकजी मस्जिद है, इसको बहुत साल हुए बनते हुए, और इसमें वक्फ ने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है, हम चाहते हैं कि ये मस्जिद मरकज बने और यहाँ पे जो हमारे असल में इस्लाम का जो मंबा होता है वो मस्जिद होती है, और वहीं से इस्लाम के कानून और जब हम नमाज अदा करते हैं वो प्रिंसिपल्स में आता है। और असल में वक्फ का काम भी है कि वो इस्लामिक जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे एसेट्स हैं, मस्जिद है, श्राइनज है, जो जितनी भी हमारे यहाँ पे हैं, उनकी तरफ ध्यान दे और उनका देखभाल करे। और खासकर ये मस्जिद जम्मू का तारीखी एक मस्जिद बनने वाली है और बन भी गई है माशाअल्लाह, लेकिन अभी इसमें कुछ काम बाकी है। और वक्त ने कितना पैसा दिया है, क्या चल रहा है, अभी मैं सीओ साहब से और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से और जो यहाँ की मस्जिद की कमेटी है उनके साथ बैठ के वो बात करेंगे। लेकिन जो मैंने सुना है, जो मुझे मालूम है कि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें वाबस्ता होनी है और इसमें बड़ा काम करना बाकी है, वो इंशाअल्लाह रहमान हो जाएगा। जहां हमारी ज़रूरत होगी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से भी जहां मदद की ज़रूरत होगी वो भी हम करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है पैसा क्या वो सही लगा है। सवाल हमारा ये भी रहता है हमेशा कि क्या वो सही लगा है, क्या उसमें कहीं खुरद बुरद तो नहीं है। ये बात भी है, हम अगर वक्फ के जरिए से कोई काम करना चाहते हैं वो वक्फ के जरिए से एक मिसाल होनी चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए कि वक्फ का पैसा कहीं इधर उधर नहीं जाता है। वो देखिए, आज मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मेरे साथ सुहेल साहब हैं, ये यहाँ के ही हैं, इसी इलाके के हैं, और सारे यहाँ इंतजामिया कमेटी है। इन्होंने जैसे मुझसे कहा कि पहले जब गवर्नमेंट थी उन्होंने वक्फ के जरिए से यहाँ पे पैसा दिया था, क्योंकि जब फंड मिलता है उसमें बहुत सारी अड़चने भी आ जाती है, जब तक आप काम पूरा नहीं करते हैं, जब तक आप उसका हिसाब नहीं, क्योंकि सरकार पैसा दे देती है लेकिन उसका हिसाब भी ले लेती है, और कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आई होंगी जिसकी वजह से ये मुकम्मल पूरी तरह से नहीं हुई। लेकिन अब हम सरकार से भी और बाकी अथॉरिटीज से भी अपील करेंगे कि ऐसा मरकज ज्यादा देर तक इस तरह से नहीं रहना चाहिए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है उसमें पूरी तरह से फिर वो इकोनॉमी और वो सारी चीजें होनी चाहिए ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और जिस काम के लिए ये बना है वो बन जाए जल्दी से।